इस वीडियो में हम जानेंगे कि कीपैड का वाइब्रेशन कैसे बंद किया जाता है हम अपने मोबाइल में कहीं भी कुछ टाइप करते हैं तो टाइप करने के साथ साथ हमारे मोबाइल में कीपैड को टाइप करने पर वाइब्रेशन होता है तो उस वाइब्रेशन को हम अपने मोबाइल में कैसे ऑफ कर सकते हैं तो इस वीडियो में हम यही जानने वाला है कि हम अपने मोबाइल में कीपैड के वाइब्रेशन को बंद कैसे कर सकते हैं तो मोबाइल के कीपैड वाइब्रेशन को बंद करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के सेटिंग्स में आना है और सेटिंग आने तो में आने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा साउंड एंड वाइब्रेशन का तो आपको साउंड एंड वाइब्रेशन पर क्लिक करना है साउंड एंड वाइब्रेशन में आने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा टच फीडबैक का तो आपको अपने मोबाइल में साउंड एंड वाइब्रेशन में टच फीडबैक का ऑप्शन ढूंढ लेना है और आपको टच फीडबैक या ऑन रहता है तो आपको इसे ऑफ कर देना है या ऑन रहेगा तो आप अपने मोबाइल में कहीं भी कुछ टाइपिंग करेंगे आप अपने कीबर्ड में जो भी की दबाएंगे उसके साथ वाइब्रेशन होगा तो आप चाहते हैं कि आपके मोबाइल के की का वाइब्रेशन बंद हो जाए तो उसके लिए आपको टच फीडबैक को ऑफ कर देना है और ऑफ़ कर देने के बाद आपके मोबाइल में आप जब भी टाइप करेंगे तो उसके साथ आपके मोबाइल में वाइब्रेशन नहीं होगा आपका वाइब्रेशन ऑफ हो जाएगा तो इस तरह से आप अपने कीपैड के वाइब्रेशन को ऑफ कर सकते हैं उसे बंद कर सकते हैं तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा